आज ही हम लोगों को जाना है और आज ही हम लोग अवसर को मेरा ब्लॉग अगर आप देख रही होगी तो जल्दी से। हेलो दोस्तों, प्रणाम नमस्कार आप सभी, मैं अपना कविता थारू ब्लॉग पे आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हानाटार और हानाटार से हम लोग कहीं और जाने वाले हैं, तो बता दीजिए हम लोग निकल रहे हैं खटिम्मा, जा रहे हैं उत्तराखंड। तो जो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, और अंकित कुमार को भी छोड़ के जा रहे हैं, पढ़ने गया है, आएगा तो रोएगा। तो फिर चलिए निकलते हैं फटाफट, चलिए। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं थरुघट महाविद्यालय पे आई हूँ और हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं खटिम्मा के लिए निकल रहे हैं, यानी कि बंटी राणा जो आए थे स्वर्ण जयंती में प्रोग्राम देने, तो उन्हीं लोग के गांव हम लोग जा रहे हैं, उन्हीं लोग के देश पे, गांव है कि उन लोग के देश है मुझको नहीं पता है, तो वहीं हम लोग उत्तराखंड के लिए निकल रहे हैं। तो दरअसल मैं इतना ज़्यादा हम लोग का काम था, गन्ना छिलाई हो रहा था, तो अभी रिहर्सल नहीं किए हैं, तो अभी हम लोग रिहर्सल ही कर रहे थे, थक गई हूँ। और अभी हम लोग बज गया है, लगभग 2 बज रहा है, टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, देखिए क्या क्या आया है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और इधर देखिए हमारे मुखिया जी आए हुए हैं जिमरी के, और इधर देखिए इधर सभी कोई क्या पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला और भुजा पकड़े आए हुए, देखिए सब लोग। आज मुलाकात हुआ है सभी लोगों से, और आज जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं खटिम्मा जाने के लिए, आज ही हम लोगों को जाना है और आज ही हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, सिर्फ 2 बजे तक हमारे पास टाइम है, तो रिहर्सल कर रहे हैं। आज सभी, किसी का भूख लग गया है, सब कोई खा रहा है, और शाम को हम लोग जब 7 बजे बस पकड़ेंगे तो कोई कुछ नहीं खाए, क्योंकि सभी का मानी पोहा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का जो है रिहर्सल ख़त्म हो गया है, अब सभी लोग जाएगा अपना अपना घर, घर नहीं मतलब कि डेरा पे जाएगा लोग, और अपना तैयारी कर के और 7 बजे तक बस पकड़ने के लिए थारू संभव पर आएगा लोग, और हम लोग का जो है रिहर्सल ख़त्म हुआ और अब यहाँ से हम लोग सभी लोग निकलेंगे डेरा पे। और इधर देखिए इधर सब लोग, कुछ इसमें नया चेहरा भी है, और हम लोग का इस बार टीम में नीता जी जो है नहीं है, कुछ अलग चेहरा है, हम लोग सभी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कुछ इसमें नया चेहरा भी। और इधर देखिए कविता जी अभी बात कर रही थी नीता जी से, उनको भी बहुत जाने का मन था, लेकिन क्या करें, और मैं भी मायूस हो गई क्योंकि उनको बहुत मिस कर रही हूँ, उनके बिना तो ऐसा लग रहा है कि नीता के बिना कविता अधूरा लग रहा है जी। तो आप लोग इसी तरह हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और हमारे लोग आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज सोनू थोड़ा सा सुनो, वोमिटिंग के डर से देखिए ये सब लोग जो है वोमिटिंग के डर से खाना वाना लोग नहीं खाएगा, इसमें से जो भी है लोग, सब लोग हैं वोमिटिंग करने वाले लोग हैं, तो खाना वाना शायद नहीं खाएंगे इस समय से। नीता जी आ जाइए, मेरा ब्लॉग अगर आप देख रही होगी तो जल्दी से, हम बेवकूफ बोल जी कभी, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब ब्लॉग जो है आएगा आप लोगों को उत्तराखंड का खटिम्मा का जी, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग इंतजार करते रहिएगा।